शर्ट ले गया। माइकल कहता है मैं घर आया, मैंने 20 रुपीज वो जो $20 थे वो आके अपने पापा को दिए, मेरे पापा बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा माइकल तुमने कर दिखाया, ओके वेरी गुड। दो तीन दिन फिर गुजरे, फिर से उसी तरह की एक शर्ट, और मेरे फादर ने पूछा माइकल बेटा ये शर्ट कितने की होगी, तो मैंने कहा $1। मेरे पापा कहने लगे किसको $200 में बेचना है। अगेन माइकल कहता है मैंने ये नहीं सोचा कि ये नहीं होगा। क्या सोचा? कैसे? हो। और ये मैंने अपने पापा से नहीं पूछा कि कैसे, मैंने अपने अंदर उस कैसे को रखा और सोचना शुरू किया कैसे 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 कैसे, और मैं सोचता रहा। दो चार दिन के बाद मुझे कहीं से खबर मिली कि साथ वाले टाउन में एक मशहूर मारूफ एक्ट्रेस किसी फिल्म शूटिंग के लिए आ रही है। कहता मुझे सारी गेम समझ में आ गई, मैंने फौरी तौर पर शर्ट ली और मैं ट्रेन पे बैठा और मैं साथ वाले शहर में चला गया। पुलिस वालों के जाके कुछ थोड़े से मिनट समाजत करके मैं किसी ना किसी तरीके से उस एक्ट्रेस के करीब पहुंच गया, और जब वो अपनी शूटिंग से फारिग हुई मैंने शर्ट उसके सामने कर दी और मैंने कहा ऑटोग्राफ प्लीज। तो उसने मुझे मुस्कुराते हुए देखा और उसने ऊपर लिखा विद थैंक्स और नीचे अपने ऑटोग्राफ जो है वो दे दिए और नीचे डेट डाल दी। कहते मैंने वो शर्ट ली और अगले दिन मैं अपनी मार्केट में जाके खड़ा हो गया, मैंने शर्ट को खोला और उस एक्ट्रेस का नाम लेके आवाज लगाई कि कौन है जो फलां एक्ट्रेस की सिग्नेचर वाली शर्ट खरीदना चाहता है। मेरे इर्द गिर्द लोगों की मंडली लगी, तो मैंने कहा हाँ भाई कितने में खरीदोगे? एक बंदे ने कहा $100, मैं चुप रहा। दूसरे ने कहा $200, मैं चुप रहा। तीसरे ने कहा $300, मैं चुप रहा। चौथे ने कहा $500, मैं चुप रहा। $1,000, मैं चुप रहा। और $1,200 के बाद कोई नहीं बोला। मैंने $1,200 में शर्ट सेल की और लाके अपने पापा को कहा कि पापा $1 की शर्ट को आज मैं $1,200 में सेल कर रहा हूं। आपने कहा था 200, मैं 1200 में सेल करने का तरीका सीख चुका हूं। मेरे फादर ने मुझे बोसा दिया और उसने कहा कि माइकल तुमने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीख लिया, अहम पैसे नहीं है, अहम है तुम्हें ये समझ आ गई कि किसी काम को करने का सही तरीका क्या होगा।